Microsoft Word Part Number 5 लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਰਟ ਬਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਨੂ ਬਾਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬਟਨ ਸੀ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥਰਡ ਟੈਬ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਟੈਬ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇजेस ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਪੇਜ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਸੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗੀ ਸੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सब तो पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नू ओपन कर दिया स्टार्ट बटन पर क्लिक किया ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक किया दैन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक किया दैन ये ओपन हो गया सो देखो आप होम बटन दी टैब्स पढ़ लिया सी इनसर्ट दी पढ़ लिया सी इनसर्ट दे विच एक ऑप्शन रह गई सी अपनी ड्रॉप कैप जो कि अज की मैं वीडियो दे विच दस दिंदी हाँ देखो इत्थे आपां की एक फार्मूला लगाना आ कोई भी फार्मूला मैं एक लगा के जिहड़ा कि इत्थे कोई रैंडम टैक्सट लै गया तां कि मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे टाइपिंग करन नू सो इस टैक्सट नू मैं सिलैक्ट किया दैन ड्रॉप कैप जिहड़ी अवेलेबल हुई दैन देखो ये तुहानू इस तरह जिहड़ी है इहदी सैटिंग्स हो जांदियां जिद्दां तुसीं न्यूज़पेपर दे विच देखिया होणा कि फस्ट लैटर जिहड़ा आ ओह काफ़ी बड़ा हुंदा बाकी सारे छोटे ही हुंदे आ इस तरह की जिहड़ी सैटिंग हुंदी है ये ड्रॉप कैप दे नाल आपां कर सकदे आ इहनू कहिंदे आ ड्रॉप कैप सो यहाँ अपना इनसर्ट की जिहड़ी एक ऑप्शन अपनी रह गई सी तो हुण आपां नैक्सट देखते हैं पेज लेआउट दी ऑप्शनस सो देखो ये फस्ट हैगी मार्जन देखो मार्जन सिलैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हुंदा है पेज का देखो ये टॉप बॉटम लैफ्ट राइट सब दिते हुंदे आ पेपर साइज लेआउट देखो टॉप आपां साइज जिहड़ा आ 1 दिता होया 1 इंच आ इंचिस दे विच आ इह सो ये जिहड़ा मैं टॉप तो इन्ना ही रहन दिंदी आ कि उपर जिहड़ा साइज़ आ वो मेरे पेज का सही आ मतलब कि जिहड़ी वाइट स्पेस हुंदी आ जिद्दां कि हुण लैफ्ट ते राइट तो मैं 0.0.5 जिहड़ी आ वो कर दित्ती मतलब कि इह इक साइज़ इक तो जिहड़ा घट जावे आ हुंदा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कि तुसीं पेज जिहड़ा आ वो लंबा चाहुंदे जां चौड़ा चाहुंदे आ इसी तरह अपने को पेपर हुंदा इहदा साइज़ हुंदा आ इहदे विच जिद्दां आपां ज़्यादातर A4 लैंदे आ क्योंकि अपने को प्रिंटिंग पेपर ज़्यादातर अवेलेबल A4 जिहड़े आपां नूं मिल जांदे आ सो इसी तरह नैक्सट अपने को लेआउट दे विच इहदे विच मैं चेंजेस कर दिंदी हाँ हैडर एंड फुटर ए 0.45 कर दिंदी हाँ सो मैं ओके किया देखो मेरा हुण जिहड़ी साइडां दी उहदी स्पेस आ 0.5 हो गई तो उपरली जिहड़ी आ 1 आ इस करके थोड़ी ज़्यादा आ सो इस तरह यही जिहड़ा आपां कर सकदे हुण देखो इहनूं मैं टैक्सट जिहड़ा आ नैक्सट हैगा ओरीएंटेशन अगर मैं लैंडस्केप ते क्लिक किया दैन देखो पेज चौड़ा हो गया दैन अगर पोर्ट्रेट ते क्लिक करदी हां दैन लंबा हो जांदा सो साइज़ विचों सेम है उही आपां लैटर साइज़ चूज़ करना A4 A3 जां किहड़ा वी पेपर चाहीदा उह इत्थों वी कर सकदे हां नैक्सट हैगा अपने को कॉलम कॉलम लैन दे लई मैं देखो इत्थे कुछ होर टैक्सट लै लिया थोड़ा जिहा मैं इत्थे टैक्सट जिहड़ा आ फॉर्मूला लगा के टैक्सट ऐड कर लैंदी हां टैक्सट ऐड हो गया मेरा हुण इस टैक्सट नूं मैं सिलैक्ट कर लैंदी हां कॉलम वाली ऑप्शन के उत्ते हुण मैं क्लिक करूँगी दैन जां तां तुसीं डायरैक्ट इत्थों लै सकदे आ जां फिर मोर कॉलम के उत्ते क्लिक करके जा सकदे हो मोर कॉलम के उत्ते मैं जिहड़े 2 कॉलम आ उह सिलैक्ट कीते मतलब मैनूं 2 कॉलम चाहीदे आ इत्थों अगर तुसीं होल टैक्सट ते करदे दैन सारे टैक्सट ते हो जाएगा अगर तुसीं सिलैक्टेड टैक्सट मतलब कि जिहड़ा सिलैक्ट आ मतलब मैं फस्ट जिहड़ा पैराग्राफ आ उह सिलैक्ट नहीं कीता होया सो इस करके मैं चाहुंदी उपरला टैक्सट दे कॉलम ना बन नीचे वाले दे कॉलम बन जाण सो मैं इत्थों जिहड़ा इहदा साइज़ सिलैक्ट कर दित्ता देखो ये सारे दा कॉलम बन गया मतलब 2 पार्ट्स ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ
नैक्सट है अपने को पेज ब्रेक। देखो पेज ब्रेक जिथे तुम चाहिए उत्थे कर्सर क्लिक करके पेज के उत्ते क्लिक कर देना। देखो पेज ब्रेक होगी मतलब नैक्सट पेज के उत्ते चले गया। हुण अगर मैं कॉलम के उत्ते क्लिक कर दी, देखो कॉलम की ब्रेक मतलब कॉलम इतों खाली हो गया, मतलब आ पोर्शन खाली करता उन्हें नैक्सट कॉलम के चल गया, इनू कॉलम ब्रेक कहते हैं। सो इस तरह पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, नैक्सट पेज, ज इस तरह द्रेक्स में आप इतों लगाते हैं ता कि जो आप ईजी रहे। नैक्सट पेज पर क्लिक करा तो नैक्सट पेज के उत्ते चले जाएगा मेरा टैक्सट। सो नैक्सट हैगा अपने को लाइन नंबरस। नैक्सट है लाइन नंबरस। देखो मैं तो टैक्सट कोई भी सिलेक्ट कर लो, लाइन नंबरस से क्लिक किया, कंटिन्यूस से क्लिक किया, दैन देखो ये सारे नंबरस आ गए, सारे पेज के उत्ते नंबरिंग आ गई है ना, लाइनस जिते जिते भी है। देखो रीस्टार्ट ईच पेज तो क्लिक किया मतलब कि हरेक पेज के उत्ते जी रीस्टार्ट हो, मतलब नंबरी वन तो स्टार्ट हो जाए हरेक पेज से नवी। सो अगर मैं रीस्टार्ट ईच सैक्शन के उत्ते क्लिक करती हाँ, देखो ईच सैक्शन मतलब हरेक सैक्शन के लिए यदि जी नंबरिंग रवे, सेम नंबरिंग रवे। नैक्सट ऑप्शन हैगी अपनी स्पोर्ट्स फॉर करंट पैराग्राफ। देखो ये क्लिक किया, करंट पैराग्राफ जो मेरा सिलेक्ट आने नंबरिंग नहीं की, बाकी सारे पैराग्राफ्स में नंबरिंग कर दी आ। नैक्सट हैगी लाइन नंबरिंग सैटिंग, मतलब कि फुल सैटिंग अगर करनी हो आप इतों जी कर सकते हैं जिस तरह की भी आपको चाहिए। फिलहाल मैं कैंसल कर दी नन के उत्ते क्लिक कर दी हाँ। सो नैक्सट हैगी हाइपरटेंशन। देखो आटोमैटिक क्लिक किया, देखो तो की चेंजस हुई हैं, मैं अंडू कर दी हाँ, दोबारा दिखाती हाँ, दोबारा मैं क्लिक करूँगी। देखो इतने जितने डायग्राम लिखा हुआ आदेश हाइपन पा रहा है, हाइफन पा रहा है, आटोमैटिक उत्ते क्लिक किया, देखो डायग्राम जोड़ा आ लिखा हुआ हाइफन पा रहा है। मैनुअल के उत्ते क्लिक किया दैन ये मैनुअली जोड़ा इनू सर्च करेगा कि इतने कितने की चाहिए। देखो इतने देखो हम डायग्राम के हाइफन पा दते हैं है ना, अगर आप नहीं चाहिए दैन आप नो के उत्ते क्लिक करा, अगर चाहिए दैन यस के उत्ते क्लिक करा। सो इस तरह जेडे आप हाइफन जेडे पा सकते, कई बार आप जो टाइप करते हैं हाइफन पाना भुल जाते हैं तो वह आप इतों पा सकते हैं। सो ए वालिया जड़िया सैटिंग्स आ इन्हों आप इस तरह इतों कर सकते हैं। हाइपरनेशन तो बाद इतने किन्ने किन्ने साइज़ के किन्ने स्पेस से चाहिए वो सारी सैटिंग तुम इतों कर सकते हो। नैक्सट है अपने को कलर्स, मतलब कि इतने तुम कोई भी कलर वगैरह अपने थीम के लिए सिलेक्ट करना हो, मतलब थोड़े को अगर डायग्राम आ दैन ये कलर वगैरह तुम जो सिलेक्ट कर सकते हो, इतों किसी भी तरह का जोड़ा कलर चूज़ कर सकते हो। नैक्सट है अपने को फॉन्ट, फॉन्ट तुम इतों डायरैक्ट चूज़ कर सकते हो कि किस तरह के थानू फॉन्ट चाहिए आ। सपोज ये कर लिया मैं, इस तरह इफेक्ट भी कर सकते हो कि किस तरह का तुम इफेक्ट चाहते हो कि किस तरह का थोड़ा जी पिक्चर या डायग्राम जोड़ा वो लगे। सो इतने तो फिलहाल जोड़ा टैक्सट है इस करके ये तो शो नहीं कर रहा, सो तुम जरूर यह सैटिंग्स करके देख लेनी। नैक्सट इस तरह आप थीम्स जीडिया चेंजेस कर सकते हैं, थीम्स के ऑलमोस्ट सारा कुछ चेंज हो जाता है, कलर्स, फॉन्ट, स्टाइल, साइज, एवरीथिंग जोड़ा थीम्स के नाल अपना चेंज हो जाता है। सो ये अपनी वीडियो, सो इनू मैं सेव कर लैनी हूँ डॉक्यूमेंट न। कंट्रोल एस यदि शॉर्टकट की है सेव करन दी, डेस्कटॉप दे उत्ते मेरा नाम जिहड़ा है दे दिंदी हाँ किरण सोडी और इसनू सेव कर दिंदी हाँ। बाकी जिहड़ियां पेज लेआउट दी ऑप्शन आपां नैक्सट वीडियो दे विच देखांगे। सो चैनल नू सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करना, बैल बटन दे आइकन ते जरूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।